हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा छोटा सा पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है और इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। देखिए, मेरा क्रोशिया नंबर 0.3 mm है और मैंने ये क्रोशिया वाला ही वूल लिया है। और फ्रेंड्स, इसको बनाना आसान है, इसे हर कोई बना सकता है। देखिए, मैं छोटा सा मिनी पर्स बना रही हूँ, आप इसमें अपने कॉइन वगैरह भी रख सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब इतना आसान है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। अब देखिए, जब हमने मैजिक रिंग बना लिया, अब आपने क्या करना है, एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और डबल क्रोशे से बुनेंगे। एक दो, एक दो, इस तरह से। तो ये तीन हो गए। अब आपने क्या करना है, एक और दो, दो चैन का गैप डालिए और फिर देखिए यहाँ, एक दो, फिर यहाँ एक और दो, फिर ये देखिए एक और दो। तो आप देखिए, ये एक और दो हो गए, फिर दो चैन का गैप डालिए, एक और दो, फिर देखिए इस तरह से, एक दो, ये एक दो, तीन होने चाहिए, तीन तीन के बनाने हैं इस तरह से। फिर देखिए, दो चैन का गैप, एक और दो, एक दो तीन हो गए। एक बार और बनाएंगे, एक दो, दो हो गए। अभी एक बार और बुनेंगे, ये तीन हो गए। और अब आपने दो चैन, एक और दो, और अब आप इसे खींच लीजिए, देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ एक दो तीन, थर्ड से यहाँ से आपने इसको जॉइंट कर देना है। यहाँ से ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर दिया, ये देखिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए, अब आप पहले यहाँ एक बार इस तरह से, और यहाँ आ जाइए बिल्कुल जो हमने जाली डाली है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, एक दो तीन, और आपने यहाँ डबल क्रोशिया से दो तीन, फिर देखिए एक और दो, फिर यहाँ एक दो तीन, फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ एक दो, यानी कि आपने डबल क्रोशिया से दो दो बार इसके अंदर बुनना है। ये देखिए, एक दो तीन है, तो एक हमारा एक हो गया, फिर आपने एक और दो चैन का गैप, फिर से इसके अंदर आपने एक दो तीन, अब आपने फिर से एक चैन का गैप और यहाँ एक दो तीन, फिर एक और दो, दो चैन का गैप, एक
दो और ये तीन। तो फिर आपने एक चैन का गैप डालना है, यहाँ बनाना है अब आपने एक दो तीन, फिर दो चैन का गैप, फिर इसी के अंदर हमने दोबारा से तीन बार बुनना है एक दो तीन। और अब आपने यहाँ से इसको एक चैन डाल करके जॉइंट कर दीजिए यहाँ इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से हमारी देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम यहाँ से थर्ड रो बुनेंगे। पहले आप एक स्लिप स्टिच करिए और इस जाली पर आ जाइए इस तरह से। अब देखिए एक दो तीन, फिर आपने डबल क्रोशिए से तीन बार बुनना है। एक चैन लेकर के तीन हो गए हैं, फिर आपने एक और दो, दो चैन का गैप डालिए, फिर से आपने यहाँ एक दो तीन। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए एक चैन का गैप रखिए और यहाँ अब आपने यहाँ एक बार बुनना है एक दो ये तीन। ये देखिए फ्रेंड्स ये दो बार बुना है, यहाँ एक बार और यहाँ दो बार, यहाँ एक बार, इस तरह से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ अब आपने फिर से यहाँ करना है एक दो तीन, फिर दो चैन का गैप, फिर से तीन बार एक दो और ये तीन। एक चैन का गैप और इस वाले जाली में एक दो तीन, फिर आपने एक चैन बुननी है यहाँ एक दो तीन, फिर आपने दो चैन एक और दो, फिर से आपने इसी तरह बुनना है। यानी ये जो कॉर्नर है ना फ्रेंड्स स्क्वायर का, ये आपने हर जाली के अंदर चारों तरफ दो दो बार ही बुनना है। और जो बीच में अब एक है ना, तो अब इन दोनों के बीच में दो हो जाएंगे। और कितना इजी है ना, बस आप ही, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक बार हो जाएगा, ये तीन जो है हमारे तीन के जो सेट चल रहे हैं वो हमारा एक बार एक, और यहाँ दो बार एक दो, यहाँ देखिए दो, फिर आपने एक और दो, दो चैन का गैप, फिर इसके बाद आपने क्या करना है दोबारा से एक दो फिर एक चैन और यहाँ दो, फिर एक चैन और यहाँ इसे जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारी थर्ड रो भी देखिए तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसी को बढ़ाना है। तो देखिए ये जो चार कॉर्नर है ना, ये एक ये एक ये दो ये तीन और ये चार,
तो फ्रेंड्स देखिए इन चारों में तो आपने दो दो बार बुनना है। अब देखिए हमारी थर्ड रो कम्प्लीट हुई। अब हम जो फोर रो बुनेंगे ना, तो देखिए एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इस कॉर्नर पे दो ही आएंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इस कॉर्नर पे दो ही आएंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ इस कॉर्नर पर देंगे। इस तरह से हमने इसके अंदर सात लाइनें कंप्लीट करनी है। तो मैं देखो आपको दिखा देती हूँ किस तरह बनाना है। फिर ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बड़ा कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका कॉर्नर है ना, देखिए ये तो मेरे दो दो हो चल रहे हैं, और मैंने आपको देखिए इसकी तीन लाइनें समझा दी, ये एक दो तीन, तो ये एक हो गया। अब देखिए दोनों तरफ एक एक आ गया, और ये दो हैं और ये दो हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये कॉर्नर है तो ये दो हैं, ये भी दो हैं, फिर ये एक आ गया बीच में, इसके बाद देखिए फिर एक दो आ गए, फिर जब हमने और लाइन बुनी तो तीन हो गए, एक दो तीन, और ये दो चल रहे हैं, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार हो गए, फिर ये पांच हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और अगली लाइन में एक दो तीन चार पाँच छः हो गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा स्क्वायर बन जाएगा। अब जब आप इतना बना लेंगे ना, फिर आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इसको उल्टा रखना है और इस तरह से रखना है। ये देखिए अब इसकी हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइंट करना है इस तरह से। तो देखिए, या तो फ्रेंड्स आप है ना इसको सुई से सी लीजिए, और अगर सुई से नहीं सी सकती हैं तो आप इसे क्रोशिए से भी सी सकती हैं। तो मैं इसे इजी कर देती हूँ, हम इसको आज नीडल से सिलते हैं। देखिए फ्रेंड आपने इस तरह से रखना है, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए एक साइड जो आपकी है ना, जो हमारे एक साइड है, ये देखिए एक साइड की जो चैन है, बस उसी को आपने इस तरह से सीना है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इस तरह से सिलेंगे। बस आपने एक चैन को दूसरी चैन से मिला करके इस तरह से सी लेना है। ये देखिए सीना तो बहुत आसान है, ये एक चैन है और ये सेकंड है, इस तरह से। ये देखिए ये चैन और ये चैन, इस तरह से ये चैन और चैन। तो फ्रेंड्स आप इसे क्रोशिए से भी सी सकती हैं, लेकिन अगर कोई बिगिनर्स है उसे नहीं आएगा तो वो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ आपने दोनों चैनों में से नहीं सिलना है फ्रेंड्स। देखिए एक साइड की ये चैन है ना, सिर्फ इधर इधर ही सीना है। अब देखिए ये चैन और इसके बाद ये वाली चैन, ये रही, इस तरह से सिलना है। ये देखिए बहुत इजी है ना बनाना फ्रेंड्स। देखिए सिर्फ आपने एक ही रो रिपीट करनी है, इसके अंदर सीधा सीधा बुनना है और इसको इस तरह से सी लेना है। देखिए एक साइड का इस तरह से सिल गया, फिर आपने ये और ये इस तरह से, ये चैन और ये चैन। अभी हमने ये भी तो हम एक ही साइड का सी रहे हैं, अभी हमने दूसरी साइड का भी सीना है। देखिए इस तरह से ये चैन और ये चैन। अब हम देखिए यहाँ तक आ गए ना, अब आपने एक और पकड़कर इस तरह से लेकर आना है यहाँ। तो देखिए किस तरह से लाएंगे, ये चैन, ये चैन और यहाँ, तो आपका यहाँ से ये देखिए ये जो है ना, ये वाला, इसे आपने इसको इस तरह से करना है। तीनों को आपने, जो तीन है इन तीनों के कॉर्नर को आपने पकड़कर मिलाना है। ये देखिए ये और ये और आपने यहाँ, इस तरह से इन तीनों में से निकालना है।
एक बार और पक्का कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बार बार खुलेगा और बंद होगा। यहाँ इस तरह से ये पक्का हो गया है। अब आपने हर चैन को चैन से मिला करके सीना है इस तरह से। ये देखिए, ये और अगर फ्रेंड्स किसी को जूते की वीडियो देखनी है, जूते बनाने हैं बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से, मेरे जूते नेट विद शबाना पर जाएं और देखें, बहुत ही प्यारे प्यारे और इतने इजी वे में मैंने सिखा रखे हैं कि अगर आप अच्छे से वीडियो वॉच करेंगी तो आप इजीली बना लेंगी। हर तरह के डिज़ाइन हैं, क्रोशिया वाले भी हैं, नेटिंग वाले भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप वहाँ से देख सकती हैं। और अगर कोई बना के मुझे पिक्चर सेंड करना चाहे तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ से अब हम इसे पक्का कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक आया, और देखिए कितनी अच्छी सिलाई करी है हमने। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है जॉइंट। अब आपने क्या करना है देखिए, अब आप फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आप इसके अंदर एक आपके पास जो बटन हो ना, कोई सा भी बटन, क्योंकि हम इसे बंद भी करेंगे तो एक बटन लगा लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ इसके बीचों बीच यहाँ एक बटन लगा लेती हूँ इस तरह से। ये इसमें बटन आ गया है, आपने एक बार और पक्का करना है इस तरह। ये देखें, ये आ गया है बटन, और यहाँ इसे पक्का कर दीजिए। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पक्का भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, आपने देखे यहाँ ये तैयार है। अब आप इसको देखिए इस तरह से, अब आप यहाँ से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, ये आपका देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा वॉयलेट तैयार हो गया, कॉइन पर्स। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने इसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पे आप इसकी तनी बनाएंगे। तो देखिए कैसे बने, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से हमने रखना है इस तरह से, और यहाँ से निकाल लीजिए के बाद यहाँ से। अब आपने देखिए यहाँ से 50 चैन बुननी है, या आप जितनी बड़ी चैन चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं। तो ये दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अभी देखिए ये छोटा सा है, अभी थोड़ा और और थोड़ी लंबी होगी तो अच्छी लगेगी। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इतनी रख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये इतनी लटक जाएगी। तो मैंने 35 चैन बुनी है, आपको बड़ी बनानी है तो आप 50 भी बुन सकती हैं। और यहाँ से अब आपने क्या करना है, पहले इसको यहाँ पर दोबारा से जॉइंट करना है। जॉइंट कर लिया, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने हर चैन के अंदर इस तरह से देखिए जो चैन है ना, बस अब आपने इस तरह से निकालते जाना है। ये देखिए इस तरह से, सारे चैनों में से आपने इसी तरह निकालना है। ये देखिए कितना इजी है, कितना सिंपल है, और कितना प्यारा सा है ना। जब आप अपने हाथ से कुछ बनाती हैं, मेहनत करती हैं, तो वो चीज़ बहुत ही प्यारी बनती है। इस तरह से
आपने हर चैन में इसी तरह बनाना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स देखिए डोरी कितनी प्यारी लग रही है, दोनों तरफ से चैन दिख रही है। देखिए चारों तरफ से, इधर से भी चैन है, इधर से भी चैन और इधर से भी चैन है। ये देखिए आपने हर चैन के अंदर इसी तरह बुनते चले जाना है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है।